अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है सबके। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम अपना बहर वाला गार्डन जो कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे इसमें जड़ी बूटियां से निकल आई हैं और गंदा हुआ हुआ है, तो हम इसको इंशाल्लाह आज साफ करेंगे। ये देखें, ये हर तरफ ना पौधे निकल के छोटे छोटे तो गंद बना हुआ है, तो ये आज हम सफाई करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये हमने पीछे हटाया है और ये काफ़ी सारा गंद है पौधों में भी, जो फजूल किस्म के हैं निकले हैं। तो इंशाल्लाह सर्दी बड़ी सख्त है बाहर, और इंशाल्लाह ये हम सफाई करते हैं, साथ साथ आपको भी शेयर करेंगे। तो ये है जी नाज़रीन, एक पौधा मैंने साफ़ कर लिया है, और इसके लिए मुझे याद आया कि ये मैं मार्केट से लेके आई थी। इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के बने हुए हैं जो इसके अंदर हम लगाएंगे, क्योंकि इसका ये पौधा काफ़ी नीचे तक जा रहा है, और जो इसके अंदर से सूखे थे वो मैंने कटिंग कर दिए। तो चलिए फिर अब ये ओपन करते हैं और हम इसमें ट्राई करते हैं कि ये लग जाए। और इस कोने को मैंने साफ़ किया है, अभी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता पौधे रखूँगे। चलें जी, ये हमारा हो गया गमला बेटर, अब हम इसको अपनी जगह पर रखते हैं। चलें जी, चलें जी, अब हम ये लेंगे एक बड़ा सारा शॉपर ताकि हम इसमें गंद डाल सकें। चलें जी, अब हम इसमें सारा गंद डालते हैं। ये थोड़ा सा हम साफ कर पाए, बहुत ही मुश्किल है, गार्डन हमने कभी साफ़ नहीं किया, लेकिन आज कर रहे हैं। तो बहुत ही, एक तो सख्त सर्दी है, तो दूसरे हम लोग बस लगे हुए हैं। देखिए आज कितना हो पाता है, काफ़ी गंदा हुआ हुआ है। ये पौधों के पत्ते जो है ना, तो ये भी साथ साथ साफ करके रख रहे हैं। आगे तो स्नो ही पड़ जानी है, लेकिन फिर भी ये है जी, ये हमने कोना साफ कर लिया है, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये हिस्सा साफ हो गया, और ये भी सारी सफाई करने वाली है, ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे। ये बहुत सारा काम है, तो अभी हमने सिर्फ ये वाला हिस्सा साफ किया है। ये इसके अंदर अंदर, ये जो इसकी ईंटों की हैं दराड़ें सी, इसके अंदर अंदर जो है वो बड़ी मुश्किल से निकल रही हैं। और ये भी बात है कि हमारे पास टूल्स पूरे नहीं हैं, और जितना है उसी से कर रहे हैं सफाई, तो काफ़ी हद तक बच्चों ने सफाई कर ली।
नहीं साफ हुआ, इसके भी मैं पत्ते उतारती हूँ। मैंने नेट से ढूंढ के एक बंदा मंगवाया सफाई करने के लिए, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो उसने मुझसे एक घंटा लगा था, दो घंटे काम किया और उसने कहा कि मुझे इसके 80 यूरो चाहिए। तो एक बहुत ही एक्सपेंसिव था मेरे लिए, मैंने इरादा किया कि आइंदा से ये नहीं करवाना। तो अब यह है कि बच्चे और हम मिल के सब कर रहे हैं। आप लोग बताएं, आप अपने गार्डन की सफाई कैसे करते हैं? किसी को बुला के करते हैं या खुद करते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिल के करते हैं? ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये हमारी आ गई ये डस्टबिन। तो यहाँ आपको पता है यूरोप में रूल है कि जो ग्रीन कलर का है वो सारा हम जो घास फूस है वो हम इसमें डालेंगे। ये जी हमारा अंदर वाला जो गार्डन है, बस अब ये बेचारा सर्दी लग के ख़राब होने पड़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा सा सबज रह गया है। तो ये नाज़रीन आ गई फाइनल लुक हमारी सफाई की। तो बहुत अच्छा लग रहा है साफ़ होके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम करेंगे इस हिस्से की सफाई जो कि काफ़ी गंदा हुआ है, इंशाल्लाह। तो चलें, इसके साथ ही हमें दें इजाज़त और ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने घर की सफाई कैसे करते हैं, गार्डन की। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।